सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सहजन की दाल और इसकी सब्जी। दोनों ही रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक ही वीडियो में। और आप लोग देखिए सहजन कितना फ़ायदेमंद होता है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका जो सहजन की फल होता है वो तो सब यूज़ करते हैं, लेकिन आप इसका जो फूल होता है वो भी यूज़ होता है। आप उसकी भी आप सब्जी बना सकते हो, उनकी पकौड़ियाँ बना सकते हो, इन पत्तियों को भी यूज़ कर सकते हो। पत्तियों को आप कई तरीके से यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज मैं आप लोगों को इसकी सब्जी और दाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आगे और भी तरह तरह की आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, लेकिन फ़िलहाल मैं आज इसकी दाल और सब्जी की रेसिपी आप लोग देखिए। और सहजन बहुत फ़ायदेमंद है जिन लोगों को खासकर शुगर है और गठिया की प्रॉब्लम है, तो आप लोग खुद इसको एक बार ट्राई करिए, तो रिज़ल्ट आप लोग खुद देखेंगे कि कितना फ़ायदेमंद है ये। तो चलिए अभी चलते हैं, सहजन तोड़ कर लेकर आते हैं फिर छत पर से, फिर बनाएंगे। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में जो बेल आइकॉन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो चलिए वही सहजन तोड़ के लेकर आते हैं। तो गाइस मैं अभी यहाँ पे आ गई हूँ छत पर। तो छत पर देखिए कितने बढ़िया बढ़िया फूल खिले हुए हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ये लग रहा है ना, तो आप लोग बताइएगा ज़रूर मुझे। तो अब सहजन की पत्तियाँ तोड़ लेते हैं। यहाँ पर ये हमको मुलायम मुलायम पत्तियाँ ही तोड़नी है, जो कड़ी हुई पत्तियाँ उसको नहीं तोड़ना है। तो देखिए, और फिर मैंने तोड़ने के बाद इन पत्तियों को धुल लिया है अच्छे से, काफ़ी अच्छे से धुलना है हमको इसको, वरना इसमें एक एक पत्तियाँ अलग अलग करके धुलना है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत इधर उधर कीड़े भी आ जाते हैं। तो अभी कटोरी लगा दी है मैंने ताकि इसका पानी अच्छे से निकल जाए। तो मैंने यहाँ पर दाल ले ली है और दाल को मैं धुल लूँगी, और धुलने के बाद फिर मैं इसमें हल्दी पाउडर डालूँगी आधा चम्मच, और नमक, और इन पत्तियों को काट कर इसी में ऐड कर दूंगी, और टमाटर भी काट के इसमें ऐड करूंगी। और करीब डेढ़ गिलास तक पानी इसमें ऐड करके इसको कुकर को बंद करके गैस पे मैं दो सीटी आने तक पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पर चढ़ाना है हमें। तो जब तक दाल हमारी पकेगी इधर मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर ले रही हूँ। तो सहजन को सेम उसी तरीके से हमें अच्छे से धुल लेना है, और धुलने के बाद फिर मैंने यहाँ पे आलू भी लिए रखे हैं, चार पांच आलू हैं और तीन प्याज है, और पांच छह कलियाँ लहसुन की ले ली है मैंने, छील लिया है इसको अच्छे से। टमाटर है, फिर इन सबको काट लूँगी अच्छे से, आप अपने मनचाहे आकार में काट लीजिए। बट अगर गाइस अगर आप लोग शुगर वालों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आलू अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि आलू शुगर वालों के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो आलू इसमें मत ऐड करिए, मेरे बच्चे खाएंगे इसलिए मैं इसमें आलू ऐड कर रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, तो उसमें तेल गर्म होने के बाद फिर मैंने उसमें जीरा डाला है आधा चम्मच, और लहसुन पहले पका लिया अच्छे से, क्योंकि प्याज डालने के बाद फिर लहसुन नहीं पकता है। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, और मैं हींग डालना भूल गई थी तो बाद में हींग डाल रही हूँ। और इन सभी को मुझे अच्छे से ब्राउन होने तक पका लेना है, और मैं मसाले इसमें पहले ऐड नहीं करूँगी। फिर मेरी जब प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाएगी तो मैं इसमें आलू को पका लूँगी इसी तेल में ही, ब्राउन होने तक आलू को पकाना है। तो जब तक हमारे ब्राउन होंगे तो आलू पक ही जाएंगे हमारे अच्छे से।
हैं। यहाँ पे आलू भी पक गए हैं, आलू पक गए हैं तो अब मैं इसमें आधा चम्मच हल्दी ऐड कर दूंगी और मिर्च पाउडर। मैं इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डालूंगी, हरी सब्जी है इसमें ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते, अच्छे नहीं लगते। तो इसमें बस मैं हल्दी और मिर्च पाउडर डालूंगी और बस। और फिर इसके बाद मैंने जो टमाटर काट के रखे हैं उसको भी इसमें डाल दूंगी और नमक डालकर इसको धीमी आंच पे पकने दूंगी ताकि मेरे टमाटर अच्छे से गल जाएं। जब तक मेरे टमाटर गल रहे हैं अच्छे से तो मेरी देखिए इधर दाल भी पक के तैयार हो गई है। तो इसको मैं दूसरे बर्तन में पलट लूँगी और फिर इसमें मैं तड़का लगा दूँगी। तो तड़का मैं यहाँ पे एक कलछी रखी है उसमें मैंने 2 चम्मच तक घी डाला है। घी चम्मच आपको 3 लग रहा है लेकिन 2 ही चम्मच डालना है क्योंकि मेरा चम्मच भरा हुआ नहीं था, आधा आधा चम्मच डाल रही थी। फिर इसमें जीरा और लहसुन का तड़का लगाना है, लहसुन को अच्छे से पका लेना है हमें। फिर इसमें मिर्ची ऐड करनी है और हींग डालकर बस हमारा तड़का भी तैयार हो गया। तो इसको दाल में डाल देना है। तो दाल बनके हो गई तैयार, बहुत ही पौष्टिक दाल है, आप लोग ज़रूर बनाइए इसको। तो गाइज़ देखिए इधर आलू भी तड़का लग गया और आलू भी पक गए हमारे और टमाटर भी अच्छे से गल गया है। तो अब मैं इसमें जो पत्तियां मैंने काट रखी हैं सहजन की इसको अच्छे से चलाते हुए मैं थोड़ी देर चलाऊंगी। तो ये जो अभी बहुत ज़्यादा लग रही हैं तो ये अपने आप ही चलाते चलाते कम हो जाएगी। और फिर इसको भी अच्छे से थोड़ी देर ढक के पकाना है 5 से 10 मिनट तक। तो गाइस मेरी सब्जी बनके ये हो गई तैयार। तो आप इसको पूड़ियों के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, चावल के साथ खाइए, आपको जिसके साथ खाना है आप उसके साथ खाइए। और आप लोग फिर से बोलती हूँ अगर आप लोगों को शुगर है तो इसमें आलू बिल्कुल भी ऐड मत करिए, सेहत के लिए बनाना है तो इसमें आलू बिल्कुल भी नहीं ऐड करना, मेरे बच्चे खाएँगे इसलिए मैंने आलू इसमें ऐड किया है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकन आती है उसको भी प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय दोस्तों।